फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पॉपकॉर्न स्टिच वाला फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। बनाने में सिंपल ही है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। बच्चों के कैप्स पे, फ्रॉक्स पे, किसी पे भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बनाऊंगी चैन थ्री, 1, 2, 3, एक चैन और बनाएंगे हम 4। यहाँ जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसको हम स्लिप स्टिच से इसमें अटैच कर देंगे। देखिए ये मैं बनाऊंगी चैन 1। इसके बाद और हम इसके अंदर ये जो छोटा सा हमारा छेद बना है, ये देखिए यहाँ नहीं, छेद हमारा यहाँ पर बना है छोटा सा, इसके अंदर हम हाफ डबल सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 स्लिप सिंगल स्टिच बनाए हैं। अब ये जो फर्स्ट चैन बनाई थी हम इसको इसी में स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब हम बनाएंगे चैन 3, 1, 2, 3। अब ये जो हमें फर्स्ट स्टिच दिख रहा है, हम 5 पेटल वाला स्टिच बनाएंगे। मतलब 5 पेटल लेंगे एक पेटल के लिए, 5 स्टिच लेंगे एक पेटल के लिए। तो फर्स्ट हम इसको काउंट करेंगे, इसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे फर्स्ट स्टिच में। ये 1, 2, 3, 4। इसको मैं यहाँ छोड़ दूंगी, देखिए इस तरफ यहाँ। और ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है जहाँ पे हमने ये स्टिच बनाए थे, चैन्स बनाई थी, वहाँ से हम इस क्रोशिया को डालेंगे और इसको इस तरफ निकाल लेंगे। देखिए अब बनाएंगे चैन 1। अब हम सेकंड जो स्टिच है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ छोड़ देंगे। और ये जो फर्स्ट वाला स्टिच था इसका यहाँ का, इससे हम यहाँ से उठाएंगे इसको, इस तरह खींच लेंगे। अब बनाएंगे चैन 1। इस तरीके से हम जितने भी हमने यहाँ पे स्टिच बनाए हैं उन सब में 5-5 स्टिच बना के इस तरह से पैटल बना लेंगे। देखिए मैंने बना लिए हैं, ये 8 स्टिच बनाए थे मैंने, तो इसमें 8 ही पैटल्स बनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे पीछे की तरफ। अगर आपको इतना सा ही फ्लावर चाहिए तो आप छोटा ही बना सकते हैं। मैं एक रो और बनाऊंगी इसके लिए। तो ये हम यहाँ पे ये एक एक फ्लावर, अब हम इनके पीछे 2-2 पेटल्स बनाएंगे। इसके लिए बनाऊंगी चैन 3, 1, 2, 3। अब हम ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये जो हमें यहाँ पे स्टिच दिख रहा है, इसके अंदर हम 4 पेटल और बनाएंगे। 4 स्टिच, 1, 2, 3, आइए 4। ये बनाया, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे और फर्स्ट स्टिच से हम यहाँ पे इस क्रोशिया को डालेंगे और इसको यहाँ से इस तरफ निकाल लेंगे। देखिए चैन 1 बनाएंगे, यहाँ पे अभी हम एक पैटल बनाएंगे। अब ये जो 2 स्टिच हैं इनके बीच में हम 2 पैटल बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया, 1, 2,
थ्री फोर ये फाइव, यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और ये फर्स्ट स्टिच से इसको डालेंगे क्रोशिए को यहाँ इस तरफ कर लेंगे। ये देखिए ये बन गए। फिर यहीं पे हम एक पेटल और बनाएंगे, फाइव स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव, ये यहाँ छोड़ा फर्स्ट स्टिच से इसको डाला यहाँ से क्रोशिए को इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे हर एक स्टिच में हम दो दो पेटल बना लेंगे। ये मैंने यहाँ तक बना लिया, ये हमने इन दोनों फूलों के बीच में यहाँ पे पेटल के बीच में एक ही पेटल बनाई थी, तो इसलिए हम एक पेटल यहाँ और बनाएंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया और कितना सुंदर लग रहा है। आप फ्रॉक पे, बच्चों के हेड बैंड पे, यहाँ पे आप कोई शो बटन लगा सकते हैं। तो देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।